हेलो हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज है 2B, पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं अभी हम 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आप देखिए, आपको जीरो निकालने हैं। जो पॉलिनोमियल नीचे दिए हुए हैं इनके आपको जीरोज निकालने हैं। जो अभी तक आपके सामने ये जितने भी 7 पार्ट्स है, ये सारे के सारे लीनियर इक्वेशंस हैं, और आपने 6th क्लास में भी 7th क्लास में भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, 8th में भी, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पर अब करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इनके जीरो निकालेंगे। इज दैट क्लियर? सोल्यूशन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट, आपको निकालना है इसका जीरो, मतलब पी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस फाइव है, तो आप इसको जीरो के सामने इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो जो वेरिएबल है उसको हम लेफ्ट में रखेंगे, और जो बच गया वो सारा कॉन्स्टेंट पार्ट है वो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ऐसा करने की वजह से उसका निशान पलट जाएगा, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स इजिकल टू फाइव, तो ये आपका आंसर हो गया। ये है जीरो इसका, पी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस फाइव का, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल आसान है। तो जो माइनस है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ, प्लस वाला इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होगा और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यू एक्स इजिकल टू आपको मिला एक्स प्लस फोर, तो एक्स प्लस फोर को आप जीरो के सामने पुट करेंगे जीरो निकालने के लिए। ये प्लस का फोर है, उधर जाके माइनस का फोर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक, थर्ड पार्ट में ये है, आर एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, तो आप टू एक्स प्लस फाइव को जीरो के सामने पुट करेंगे। पहले प्लस फाइव उधर जाएगा, याद रहे टू नहीं जाएगा, पहले ये प्लस वाला ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, टू एक्स इजिकल टू माइनस का फाइव, एक्स इजिकल टू ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस फाइव बाई टू आंसर, ठीक है। ओके, थर्ड तक हमने कर लिया, चलिए फोर्थ है वो करते हैं। फोर्थ में हमें मिला है एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, थ्री एक्स प्लस वन को हम जीरो के सामने पुट करेंगे, थ्री एक्स इजिकल टू हो गया प्लस वन, उधर जाके माइनस का वन, एक्स इजिकल टू माइनस वन ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर भी हुआ था, है ना। तो एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री है, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। मैं वर्ड आंसर्स जो है साथ ही साथ चेक कर लेता हूँ, क्योंकि गलतियाँ उतनी देर नहीं लगती। कई बार होता है कि हमें लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं लेकिन हो जाती है गलती। फाइव ठीक है, माइनस बहुत ही सिंपल सम्स है, बाकी इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है जो बड़े बड़े क्वेश्चन, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, कई सारे क्वेश्चन की वीडियो बना चुका हूँ, तो फिर गलती हो जाती है जब ज़्यादा टाइम तक काम करते हैं, और मैं पढ़ा कर भी अभी आया हूँ, तो इसकी वजह से ऐसी गलतियाँ हो जाती है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि जब आप काफ़ी टाइम आपको पढ़ते हुए हो गए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, फिर कीजिए, फिर भी गलती होने के चांसेस होते हैं तो थोड़ा ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी फेयर नोटबुक में करो, चाहे रफ में करो, चाहे आप टेस्ट कर रहे हो, चाहे कैसी भी। तो अब फिफ्थ पार्ट है वो करते हैं। हमें मिला है जी एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर एक्स, इसको जीरो के सामने पुट करेंगे, फाइव माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो मैं इसको इधर ही रखूँगा माइनस फोर एक्स को, ये प्लस का है उधर जाके, याद रहे निशान होता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो फाइव का निशान माइनस नहीं है, फाइव का निशान लेफ्ट हैंड साइड में कोई नहीं है तो प्लस का है, तो ये प्लस का उधर जाके इक्वल के दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, एक्स इजिकल टू हुआ माइनस फाइव, और माइनस फोर को लेके जाएंगे नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, आपको मिला फाइव बाय फोर, ये है आपका आंसर हुआ इस लीनियर इक्वेशन के लिए, इसका जीरो फाइव बाय फोर हुआ, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। सिक्स्थ पार्ट, एच एक्स इज इक्वल टू है सिक्स एक्स माइनस टू,
तो फिर 6x माइनस टू को जीरो के सामने पुट करेंगे, माइनस टू उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, टू बाई में सिक्स, टू वन इज टू थ्री जार, आपको मिला 1/3, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, सिक्स पार्ट हो गए हैं, सिक्स पार्ट्स हो गए। सेवन्थ ये है, आपको मिला है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए की वैल्यू जीरो नहीं है, ये डिस्क्राइब की हुई है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ए एक्स इज इक्वल टू रखेंगे जीरो, तो एक्स की वैल्यू हो गई जीरो डिवाइड में ए मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो जीरो बाई समथिंग जीरो होता है, तो जीरो ही इसका जीरो है। ठीक है, रूट भी कहते हैं इसको, आगे आने वाले टाइम पर जब आप टेंथ क्लास में करेंगे तो रूट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जीरो के नाम से भी जाने जाते हैं, जो उसकी वैल्यू रखें और वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। सेवन पार्ट्स हो गए, अब लास्ट एट्थ पार्ट है ये वाला, क्यू एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स है। अब जैसे यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू थी ए, यहाँ पर आपको फोर मिली हुई है 4x, वैसे ही करेंगे 4x को जीरो के सामने पुट करेंगे, x इज इक्वल टू जीरो, फोर डिवाइड में आ जाएगा, जीरो डिवाइड समथिंग आपको मिलता है जीरो। क्लियर है, ये आपका आंसर हुआ। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है एक बार देख लीजिए, सॉल्यूशन 8 के ये कुछ सॉल्यूशंस है, जिसमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड साफ नज़र आ रहा है, फोर्थ भी है, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ और ये रहा एट्थ। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने करना है वीडियो को लाइक, करना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिएगा, शेयर करना अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।